इस तरह के क्वेश्चंस देखो, ये वाला पार्ट अगर देखो तो पास्ट इंडेफिनिट है, टैग भी इसका पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, इन्होंने प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस लिख दिया, तो इधर नॉट तो नहीं था, आपको नॉट लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट ही हो जाएगा। नेक्स्ट, ईच डांसर परफॉर्म्ड वेरी वेल दैट इट वॉज डिफिकल्ट टू जज हु द बेस्ट बाज। ये पेयर वाले क्वेश्चन अक्सर बिना प्रैक्टिस की वजह से गलत हो जाते हैं। आप इनका मीनिंग करोगे, मीनिंग से ये सॉल्व होते नहीं है और आप पेयर भी बना नहीं पाते हो। देखो पेयर कुछ याद रखना, अगर सो है तो उसके साथ हमेशा दैट आएगा, अगर टू है तो उसके साथ ये वाला टू आएगा, बोथ है तो बोथ के साथ एंड आएगा, ईदर के साथ सब लोग जानते हैं क्या आता है, और नीदर के साथ क्या आता है, नीदर के साथ हम नॉर का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ पेयर आपको याद रखने पड़ेंगे। अब पेयर क्या है भाई, इधर डेट आया हुआ है, डेट वेरी के साथ तो नहीं आता, डेट आता है हमारा सो के साथ, ये सही है। फिर नेक्स्ट, हिज स्कूल वाज 7 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज हाउस, उसका स्कूल घर से 7 किलोमीटर दूर था। आई वंडर हाउ ही कवर्ड सो लॉन्ग डिस्टेंस डेली ऑन फूट। लॉन्ग डिस्टेंस, इसमें कोई गलती हो सकती है, सो लॉन्ग द डिस्टेंस, नो इम्प्रूवमेंट, सच लॉन्ग डिस्टेंस या सच ए लॉन्ग डिस्टेंस, ध्यान रखने पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चन आपको। अभी एक क्वेश्चन इसी तरह का कराया था जिसमें हमने बोला था कि कभी भी आपके पास सच आ जाए, क्वाइट आ जाए, रेदर आ जाए, इनके बाद जो नाउन आता है उस नाउन से पहले हम ए और एन का यूज करते हैं, उस नाउन से पहले ए और एन आता है तो क्या हो जाएगा, सच ए लॉन्ग डिस्टेंस। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो, वी कांट लिव विदाउट वाटर, विल वी, वॉन्ट बी, कैन बी, डू बी, नो इम्प्रूवमेंट। तो इसको अगर देखा जाए तो वी कांट लिव विदाउट वाटर, अब इधर कैन नॉट आया हुआ है तो इसका टैग तो पॉजिटिव बनेगा, कैन भी हो जाएगा। नेक्स्ट, लेट अस नॉट निग्लेक्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑल्दो परस्यू मोमेंट्री प्लेजर्स, ऑल्दो परस्यू मोमेंट्री प्लेजर्स, इसमें कोई गलती हो सकती है, इसी को इम्प्रूव करो। ऑप्शन है बाई परसूड मोमेंट प्लेजर्स, थ्रू परसूड इन मोमेंट्री प्लेजर्स, वाइल परस्यू मोमेंट्री प्लेजर्स, नो इम्प्रूवमेंट। लेट अस नॉट निग्लेक्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जब हम अपनी जिंदगी, देखो जिंदगी में ऐसा थोड़ी ना है कि जिंदगी की एक स्टेज आएगी, आपको दिन टाइम महीना निश्चित कर दिया जाएगा कि इस महीने में आपका जिंदगी में आप इंजॉय करेंगे, जीवन भर ये सिलसिला चलता रहेगा, अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, हर तरह के सिलसिले ये चलते रहेंगे। तो लेट अस नॉट निग्लेक्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ थ्रू परसूट इन मोमेंट्री प्लेजर्स, हम जिंदगी में जो अपना मकसद है, जिंदगी जीते टाइम, जिंदगी को जब हम जी रहे हैं, जिंदगी को जब हम काट रहे हैं, तो अपने जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो मेन नज़रिया, जो मेन मकसद है, उसे नकारना नहीं है, वाइल नहीं करेंगे, वाइल परस्यूइंग, फिर यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब भी तो चाहिए। अगर आपने परस्यूइंग कर दिया, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दी, तो देखो अपने आप से पूछो हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब भी तो चाहिए, वो भी ज़रूरी है। नेक्स्ट, वी मस्ट इंडेवर टू इंक्रीज वीमन्स एक्सेस फॉर एजुकेशन ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट, तो एक्सेस फॉर एजुकेशन ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट, इसमें कोई गलती है, इसे इम्प्रूव करो।
अब यहाँ से ये क्वेश्चन पता है कैसे सॉल्व होगा, एक्सिस के साथ एक फिक्स्ड प्रपोजिशन आती है, आप उसका ध्यान रखें, आपको जवाब मिल जाएगा। और एक्सिस के साथ टू आता है, बस खल्लास। ये जो एक्सिस है, एक्सिस का मतलब किसी तक पहुंच होना, किसी तक हम पहुंच जाएं। और एक्सिस के साथ हम किसका यूज करते हैं, एक्सिस के साथ हम टू का यूज करते हैं, तो टू आएगा तो डी वाला अपने आप से ही हो गया। नेक्स्ट, दो मेनी यूरोपियन ट्रेडर्स विजिट पुडुचेरी इन द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, व्हाट रिमेन्स टुडे इज अ रेलिक ऑफ इट्स फ्रेंच पास्ट। तो ट्रेडर्स विजिट पुडुचेरी इन 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। अब एक बात का ध्यान रखना, ये 16th सेंचुरी की बात कर रहा है, मतलब ये गुजरे जमाने की बात है, और गुजरे जमाने की बात है तो सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए। अब आप लोग जवाब निकालो इसका, बात गुजरे जमाने की है, सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए। तो ट्रेडर्स विजिटेड पुडुचेरी फ्रॉम द 16th सेंचुरी, मतलब तब से अब तक वो विजिट कर ही रहे हैं, तो इन तो नहीं करेंगे। ऑनवर्ड का मतलब क्या है, अभी भी विजिट करते हैं, अभी भी जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, जो काम पास्ट में शुरू हुआ अभी भी चल रहा, तो उसके लिए हम फ्रॉम यूज करेंगे। अरे वाह, नहीं डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा विपिन कुमार। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, द इंडिया कंसेंसस स्टडी हाईलाइट ए बेनिफिट्स बाय एडिंग डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन अप्रोचेस टू करंट गवर्नमेंट पॉलिसी। तो हाईलाइट ए बेनिफिट्स बाय एडिंग, इसमें कोई गलती है, इसको इम्प्रूव करो। द इंडिया कंसेंसस सब्जेक्ट कैसा है, वैसी ही वर्ब आनी चाहिए, जैसा आपका सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर या प्लूरल, जैसा सब्जेक्ट वैसी ही वर्ब। और देख रहे हो, सब्जेक्ट तो ये सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तो इसके लिए आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, तो आंसर क्या होगा, डी। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और हमेशा मिले हैं, ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आपको इन पर ध्यान देना होगा।